दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जब कभी भी हम किसी के हाथ में आईफोन देखते हैं तो हमारा दिल भी ललचाने लगता है कि काश हमारे हाथ में भी ऐसा ही आईफोन होता। लेकिन दोस्तों जिस आईफोन के आप इतना बड़े दीवाने हैं, क्या आपको मालूम है इसे कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको आईफोन की फैक्ट्री में ले जाऊंगा, जिसके अंदर का नजारा देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, एप्पल आईफोन बाकी फोन से काफी ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी तक सब कुछ बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है, जिसके लिए लोग ज्यादा पैसे देने से पीछे नहीं हटते। अब बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि मैन्युफैक्चरर्स आईफोन को किस तरह डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आईफोन किसी एक देश में डिजाइन और मैन्युफैक्चर नहीं होता, कई सारे देश मिलकर इसे तैयार करते हैं। अगर आपने कोई आईफोन खरीदा होगा तो आप उसमें देखेंगे ये प्रोडक्ट कैलिफोर्निया में डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसे वहां पर मैन्युफैक्चर भी किया गया हो। असल में किसी फोन को बनाने में दो सबसे अहम चीजें होती है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है असेंबलिंग। मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें आईफोन के अंदर डाले जाने वाले कंपोनेंट्स को बनाया जाता है, जैसे कि बैटरी, कैमरा, स्क्रीन वगैरह वगैरह। और जो असेंबलिंग होती है, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स बने होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब जाकर एक आईफोन तैयार होता है। एप्पल आईफोन दुनिया भर से अपने मटेरियल को सर्च करवाता है, जहां पहले तो एप्पल कंपनी दुनिया की अलग अलग कंपनियों से टाई अप करती है ताकि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे, और फिर जब मैन्युफैक्चर हो जाता है तो असेंबलिंग के लिए कई सारी कंपनियां रेडी रहती है जो आईफोन को तैयार करती है। तभी तो पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा ऐसी कंपनी है जो आईफोन के अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें स्क्रीन से लेकर मेमोरी, चिप, कैमरा और हर एक चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियों में मैन्युफैक्चर होती है। ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जर्मनी, जापान और भारत जैसे देशों में बनकर तैयार होते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है, जहां ये सभी सप्लायर मैन्युफैक्चर किए गए कंपोनेंट्स को बहुत ही बड़ी संख्या में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भेजते हैं ताकि इन कंपोनेंट्स के असेंबलिंग की जा सके। और जो आईफोन की असेंबलिंग होती है वो ज्यादातर ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम चाइना के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर आईफोन की सबसे ज्यादा असेंबलिंग की जाती है, क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को कम पैसे देने पड़ते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए एप्पल आईफोन के ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना में असेंबल किए जाते हैं। हालांकि इसकी असेंबलिंग साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों में भी भारी मात्रा में होती है। वैसे तो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दुनिया के कई सारे देशों में देखने को मिलती है, लेकिन ये सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी केवल दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हिस्सा है, जिसमें से पहला है फॉक्सकॉन और दूसरा है पेगाट्रोन। ये दोनों ही कंपनियां आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके बनने तक का सारा काम देखती है ताकि उसकी डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर हो सके। लेकिन इन सारी चीजों में ये कंपनियां एप्पल कंपनी की क्वालिटी का ख्याल रखना नहीं भूलती, क्योंकि उन्हें पता है कि एप्पल के आईफोन की सबसे बड़ी खासियत है उसकी क्वालिटी, जिससे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा प्लांट तो चाइना के जैंगजियो में बना है। फॉक्सकॉन कंपनी के इस प्लांट में आईफोन बनकर तैयार होते हैं। ये कंपनी 2.2 मिलियन स्क्वायर मील में फैली हुई है, इसी वजह से इसे आईफोन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की असेंबली लाइन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और इस फैक्ट्री में लगभग 3,50,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। फॉक्सकॉन कंपनी सालों से एप्पल के प्रोडक्ट बना रही है और जितने भी आईफोन बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसी कंपनी के बनकर तैयार होते हैं। असल में इस फैक्ट्री के अंदर फोन की फाइनल असेंबलिंग होती है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है और पैकेजिंग का भी काम यहीं पर होता है। और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग साइट में 94 प्रोडक्शन लाइंस मौजूद है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है। तभी तो इस पूरी फैक्ट्री में लगभग 5,00,000 आईफोन बनकर तैयार होते हैं, जो कि बिल्कुल छोटी बात नहीं है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 350 आईफोन हर मिनट बनकर रेडी हो जाते हैं। आईफोन की असेंबलिंग यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए हो पाती है क्योंकि एक वर्कर एक ही काम में लगा रहता है। यानी कोई अगर फोन के अंदर कैमरा फिट कर रहा है तो उसका यही काम होता है,
वो लाइन से एक एक फोन के अंदर कैमरा फिट करे, और अगर कोई फोन की टेस्टिंग कर रहा है तो उसका यही काम होता है कि वो लगातार फोन की टेस्टिंग करता रहे, जिससे जो वर्कर्स होता है उनका ध्यान एक ही काम में लगा रहता है और काम जल्दी जल्दी हो जाता है। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में वर्कर्स काम करते हैं जिनकी मजदूरी बहुत ही कम होती है। अगर एप्पल कंपनी अमेरिका में इसी काम को करवाएगी तो उन्हें वहां के लोगों को ज्यादा लेबर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन चाइना की फॉक्सकॉन कंपनी में लेबर अमेरिका के कंपैरिजन आधे से भी कम दामों में हो जाता है। आईफोन की असेंबलिंग जैसे पूरी होती है उसकी टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है फोन के अंदर कोई खराबी तो नहीं है। वैसे तो इस बात की बहुत कम गुंजाइश होती है कि आईफोन के प्रोडक्ट में कोई खराबी निकले, लेकिन अगर कोई खराबी होती है तो उस फोन को साइड में कर दिया जाता है और जितने भी सही फोन है उन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकेट को बड़े बड़े डिब्बों में डाल दिया जाता है और फिर इसे फैक्ट्री गेट तक पहुंचाया जाता है, जो कि आईफोन तैयार होने वाली जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, ताकि अगर कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो फॉक्सकॉन कंपनी को कोई नुकसान ना हो। इसलिए जो गेट होता है वो काफी दूर रखा जाता है, जहां से इन आईफोन्स को दुनिया भर में मौजूद एप्पल कंपनी के एफिलिएटेड्स तक भेजा जाता है, जहां से ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। तो देखा दोस्तों आपने इस तरह फैक्ट्री के अंदर आईफोन यानी एप्पल के फोन तैयार होते हैं और कैसे उसका सारा काम होता है। बाकी आप हमें कमेंट में बताइए आपको एप्पल मोबाइल ज्यादा अच्छा लगता है या फिर एंड्रॉयड। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।